फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अबाउट हाउ टू अप्लाई हेयर सीरम, हेयर सीरम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेयर सीरम एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होता है। ये हमारे बालों में एक कोट बनाता है जिसकी वजह से केमिकल और सनरेज के बीच में ये एक बैरियर जैसे काम करता है और ये हमारे बालों को डैमेज नहीं करता है। इसके अलावा हेयर सीरम बालों को शाइनियर दिखाता है और हेल्दियर दिखाता है। इसके अलावा हेयर सीरम हमारे बालों में जो फिजीनेस होता है उसे कम करता है, रिड्यूस करता है। अगर हम हेयर सीरम बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल ज़्यादा उलझते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम जब कॉम करते हैं तो बाल टूटते नहीं हैं। हेयर सीरम हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है डस्ट और ह्यूमिडिटी से। ये सारे बेनिफिट्स हैं हेयर सीरम के। मार्केट में बहुत सारे हेयर सीरम्स हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग हेयर टाइप के हिसाब से हेयर सीरम बनाते हैं, जैसे डैमेज बालों के लिए, फिजी बालों के लिए, जिनके बाल कुछ ज़्यादा ही उलझ एंगल टाइप के बालों के लिए, और जिनके बालों में शाइन नहीं होता है, एक शाइन प्रोवाइड करता है स्टाइलिंग के लिए। तो बहुत सारे सीरम अवेलेबल हैं, हम हमारे हेयर टाइप के हिसाब से हेयर सीरम चूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बालों में हम हेयर सीरम कैसे लगाएं। इस डेमो में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टोनी एंड गाय का हाई शाइन सीरम ड्रॉप। और मेक श्योर करें कि आपके बाल 70% ड्राई हो, क्योंकि ज़्यादा गीले बालों में सीरम जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो 70% तक बाल ड्राई होने चाहिए। अराउंड 3 to 4 पम्प काफ़ी होते हैं। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से कम या ज़्यादा सीरम ले सकते हो। जब भी सीरम ले तो उसे अच्छे से पाम में रब करें और उसके बाद में धीरे धीरे बालों में लगाएं, मिड लेंथ से लेकर एंड में, क्योंकि यहाँ के बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई होते हैं। यहाँ पे इन बालों को ज़्यादा नरिशमेंट और मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। और हेयर सीरम जो है वो स्कैल्प में ना लगाएं, स्कैल्प के थोड़े से दूर ही लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपको और हेयर सीरम की ज़रूरत है तो आप थोड़ा और लगा सकते हो। आप हेयर सीरम को गीले और ड्राई बालों में दोनों तरह से लगा सकते हैं। जब हेयर सीरम अच्छे से लग जाए उसके बाद में आप धीरे से बालों के जो नॉट है वो आप निकाल सकते हो और आप देखोगे कि मेरे बाल काफ़ी सॉफ्ट और शाइनियर लग रहे हैं। स्टाइलिंग के बाद भी अगर हम हेयर सीरम लगाते हैं तो हमारे बाल काफ़ी शाइनी, ग्लॉसी लगते हैं और फीस फ्री भी लगते हैं। हेयर सीरम लगाए तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले एक अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करें। सेकंड, कि स्कैल्प में ना लगाएं। थर्ड, जब भी हेयर सीरम खरीदें तो अपने हेयर टाइप के हिसाब से ही हेयर सीरम खरीदें। जैसे अगर आपके बाल फिजी है या फिर बहुत कलर्ड है तो उस हिसाब से आप हेयर सीरम लें। फोर्थ, 70 to 80% ड्राई बालों में ही हेयर सीरम लगाएं। फिफ्थ, कि हेयर सीरम जब लगाएं तो उसे अच्छे से हथेलियों में रब करें और फिर उसके बाद में अपने बालों में लगाएं मिड लेंथ से टिप पे। हम लगाओ तो पहले ही ज़्यादा हेयर सीरम मत लो, 4 to 5 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हेयर सीरम की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद में आप लगाएं। अगर आप पहले ही ज़्यादा लगाओगे तो आपके बाल स्टिकी लग सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम हमारे बालों में हेयर सीरम लगाएं और हेयर सीरम के बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ में मेरे वीडियोज़ को आप शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।